शिखर, डू यू वांट टू गो टू हैमिल्टन बैक? यस और नो? जल्दी बोलो। हाँ, आई कांट हियर यू। नो। तो जी, अभी भी जाने का बिल्कुल मन नहीं है, क्योंकि ये इतना बढ़िया होम स्टे था ना, एयरबीएनबी, बहुत ही अच्छा, बहुत ही मज़ेदार और इतना सीनिक कि जाने का वापस बिल्कुल मन नहीं है। शिखर को आपने देखा ही, तो फिर अब लेकिन टाइम तो हो गया जाने का, घर है तो जाना है, लेकिन हम फिर आएंगे इसी उम्मीद के साथ। यहाँ से निकलते हैं, कुछ करते हैं हैमिल्टन की तरफ। सुबह के 6:30 बज रहे हैं और हम लोग फटाफट निकल रहे हैं यहाँ से। आपको एक बार फाइनल दर्शन भी करा देते हैं। ये एक रूम था, इससे क्या होगा कि मेरा भी फाइनल चेक हो जाएगा कि कुछ सामान तो नहीं छूट रहा। ये एक रूम है, देखिए कितना ब्यूटीफुल कोजी रूम है। बस इसके गद्दे थोड़े से, मतलब गद्दे वैसे सही है, लेकिन मुझे बिल्कुल हार्ड सरफेस चाहिए सोने के लिए, तो ये बहुत बढ़िया एक रूम है। शिखर, चलो इसकी लाइट ऑफ करते हैं। कम हियर। और ये लिविंग स्पेस तो मुझे सबसे अच्छा लगा था। दिस इज द लिविंग स्पेस। थैंक यू, बाय बाय पेंसिल्वेनिया। ये अपना ब्रशिंग का एरिया है, ये वॉशरूम है। ओके, ये बेडरूम था, यहाँ हमने पूरा सामान रखा हुआ था, लेकिन देखें ड्रॉअर में तो नहीं कुछ रहा है, खुली नहीं रहा है, ये तो मैंने फिर यूज़ ही नहीं किया होगा। और यहाँ पे तो कुछ नहीं छूट रहा। चलो ये भी डन, ऑल ओके। अब यहाँ चेक कर लेते हैं वो किचन में, इसमें अपना कोई चम्मच चम्मच तो नहीं रह रहा, ये सब उन्हीं के हैं, बर्तन सब उन्हीं के हैं। इधर भी चेक, इधर भी चेक, फ्रिज, फ्रिज में सब उन्हीं का सामान है, और इधर भी। चलो हो गया चेक, लेट्स गो। चलो फिर कौन सा मूव, चलो शिखर। तो पूरी बिग बॉस वाली फीलिंग आ रही है, जैसे बिग बॉस में भी लाइट ऑफ करके बाय बाय करके निकलते हैं, वैसे हम भी निकल रहे हैं। तो बाहर आ गए हैं, अभी पूरा अंधेरा ही है, और सो बाय 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 बाय। बहुत ही अच्छे होस्ट थे वो लोग। और ये सुबह सुबह का टाइम, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, अब हम लोग भी अपने। तो फाइनली गुड बाय टू पेंसिल्वेनिया चेस्टनट। बहुत अच्छा लगा यहाँ रह के, और अब मिलते हैं, अगर रास्ते में कुछ देखने को अच्छा मिलेगा तो आपको भी दिखाएंगे, नहीं तो सीधे मिलते हैं घर पे। जय श्री राम। कुछ करते हैं अपने घर की तरफ। शिखर, कैन यू से जय श्री राम? से बोलो जय श्री। अच्छा अच्छा, बोल दो जय हनुमान। Say it loudly. Jai Hanuman. Yes, Jai Mata Di. Har Har Mahadev. These were the names we wish we would have named our baby boy, but instead we had a baby girl. Like the first one was like Dagger and Onyx. One. We are going home now. तो भगवान का नाम लेकर हम लोग निकल गए थे घर की ओर। आप देख रहे हैं सुबह सुबह लालिमा आ गई है, बिल्कुल सनराइज होने वाला था और ये सनराइज हो गया।
हम लोग चले जा रहे थे और देखिए कितना रास्ता ब्यूटीफुल रास्ता है, इतना सीनिक रास्ता था, मुझे तो बहुत ही मज़ा आ रहा था। और ये इतनी धुंध छा गई थी और रास्ते पर देखिए रास्ता भी नहीं दिख रहा था, इतना कोहरा था। लेकिन इतने कोहरे के बीच से हम लोग निकले जा रहे थे। तो आप देख सकते हैं कि मैं ये वीडियो इस वजह से रिकॉर्ड करी है कि देख इतना ब्यूटीफुल नज़ारा कोई कैसे मिस कर सकता है। बहुत ही ज़्यादा सीनिक रूट था जो हमारा रास्ता था, दोनों तरफ फॉल के सुंदर सुंदर कलर्स आ गए थे। आप देख सकते हैं इतने बड़े बड़े पेड़ जो है, कोई रेड है, कोई येलो है, कोई ऑरेंज है, कोई ग्रीन ही है, तो इतना सब मिला कि इतना खूबसूरत लग रहा था ना, इतना खूबसूरत नज़ारा था कि मुझे लगा कि अगर मैं देख रही हूँ तो आप लोगों को भी थोड़ा तो देखना ही चाहिए। तो ये इसीलिए रास्ते का व्यू थोड़ा सा लंबा है लेकिन बहुत ब्यूटीफुल है। तो आप देख रहे हैं कि गाड़ी चली जा रही है और रोड के दोनों साइड सुंदर अद्भुत नज़ारा है। तो फॉल सीज़न शुरू हो गया था कनाडा में और यूएस में दोनों ही, तो यूएस कनाडा से फॉल निकलते निकलते मेरे घर तक भी जो है वो इतना सुंदर नज़ारा देखने को मिलता ही रहा। 6 घंटे का जो हमारा रन था वो तो मुझे टाइम पता ही नहीं चला क्योंकि फुल टाइम मैं इधर से उधर देखती ही रही। एक रेस्ट एरिया में रुके हैं, देखिए इतना सुंदर रेस्ट एरिया है कि यहाँ से भी जाने का मन नहीं करेगा। ब्यूटीफुल कितनी ब्यूटीफुल जगह है, आप देखिए क्या कलर्स आ रहे हैं, मतलब मजा आ गया। और इतनी सारी मोहब्बतें नीचे भी बिखरी पड़ी है। बहुत जल्दी हम लोग बॉर्डर पे पहुंचने वाले हैं, अब इस बार कनाडा जाने के लिए एंट्री करेंगे। फाइनली कनाडा में एंट्री हो रही है, ब्रिज टू कनाडा आ गया।
सर जमीन है कनाडा, कनाडा की सर जमीन पर आपका स्वागत है। तो अब इंटरनेट ऑन कर लिया जाए, अभी पहले बॉर्डर पहले इमिग्रेशन किया जाए। बाय बाय यूएस, सी यू अगेन, लेफ्ट लेन एंड बाय। अरे ये तो लिखो थैंक्स फॉर विजिटिंग यूएस, बाय यूएस, यस बाय पेंसिल्वेनिया, बाय अटलांटा। ओके शिखर, नाउ वी आर इन गोइंग टू कनाडा हैमिल्टन, फेरी का रिटर्न होगा। ये कौन सा ब्रिज है? ये तो पीस ब्रिज है, पीस ब्रिज है। ये लेक एरी पे बना था, लेक एरी, लेक एरी दिख रहा होगा आपको थोड़ा बहुत, लेक एरी। और ये पीस ब्रिज, ये है वो लेक, ये लेक एरी और लेक एरी, पीस ब्रिज शिखर, यस। बाय बाय यूएस, देखते हैं कनाडा में क्या होता है। कनाडा में आपका स्वागत है, टिंग टोंग। कनाडा का झंडा आप देख सकते हैं, ट्रक बस लेन नाइन ट्रक, ये इमिग्रेशन के लाइंस है। लाइन ज्यादा बड़ी नहीं है, मुझे लग रही खाली है सब। ये ज़्यादा लंबी लाइन नहीं है कनाडा, तो इमिग्रेशन किया जाए। तो कम नहीं होता है। फाइव डेज वी वेंट टू अटलांटा देन पेंसिल्वेनिया, मैं भी सेट करने का ट्रिप, कजन्स वेडिंग, या आ गया। इट्स नायगरा फॉल्स हैमिल्टन टोरंटो फाइनली। आखिरकार हम लोग घर पहुंच गए, इतना लंबा ट्रिप हमारा जो था, रास्ता बहुत लंबा था, दिन तो 3-4 ही थे और खूब मज़े किए, बहुत ही सक्सेसफुल रहा। और घर आने के बाद आप देख सकते हैं जो पूरी कार भर के मैं सामान लेके गई थी उसको लाने में ही, निकालने में ही 1.5 घंटा लग गया। तो सारा सामान, सारे पूरा कार खाली किया और फिर नॉर्मल रूटीन पर आ गए वापस। तो ये थी हमारी यूएस की ट्रिप, होपफुली आप लोगों को भी पसंद आई हो। तो ऐसी ट्रिप और लगती रहेगी क्योंकि कई सारी छुट्टियां भी आने वाली हैं। तो मिलते हैं आपसे फ्रेश न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और हाँ प्लीज़ सब्सक्राइब करते जाना।